नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार भी उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां लगातार 1000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। कल जहां बिहार में अब तक का सबसे ज़्यादा कोरोना का मामला एक दिन में सामने आया था, वहीं आज सोमवार को भी बिहार में नए कोविड-19 मरीजों की संख्या 1000 से ज़्यादा सामने आई है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी जिलों से विगत 24 घंटे में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार आज सोमवार को 1116 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज बिहार के सभी 38 जिलों से मिले हैं। इन नए मरीजों के साथ ही बिहार में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,421 हो गई है। नए मरीजों के मिलने की तुलना में पटना की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। पटना में आज फिर 228 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि भागलपुर, बेगूसराय, गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और सिवान से विगत 24 घंटे में 50 से ज़्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। एक नज़र डाल लेते हैं पिछले 24 घंटे में मिले नए कोरोना मरीजों की संख्या पर। अररिया 1, अरवल 20, औरंगाबाद 3, बांका 3, बेगूसराय 79, भागलपुर 78, भोजपुर 33, बक्सर 1, दरभंगा 3, पूर्वी चंपारण 11, गया 65, गोपालगंज 22, जमुई 28, जहानाबाद 17, कैमूर 18, कटिहार 28, खगड़िया 9, किशनगंज 8, लखीसराय 17, मधेपुरा 7, मधुबनी 41, मुंगेर 68, मुजफ्फरपुर 76, नालंदा 24, नवादा 7, पटना 228, पूर्णिया 8, रोहतास 51, सहरसा 11, समस्तीपुर 29, सारण 8, शेखपुरा 5, शिवहर 4, सीतामढ़ी 6, सिवान 50, सुपौल 3, वैशाली 6 और पश्चिमी चंपारण से 39 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बिहार में टेस्टिंग बढ़ी है तो मरीजों की संख्या भी बिहार में लगातार बढ़ रही है। बिहार में अब रैपिड एंटीजन किट से भी कोरोना की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी की खबर के मुताबिक सभी जिलों में इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही बिहार के सभी जिलों में रैपिड एंटीजन किट से जांच शुरू हो जाएगी। यह किट 30 मिनट में कोरोना की रिपोर्ट देती है। इसके इस्तेमाल के बाद उम्मीद है कि बिहार में मरीजों के मिलने की संख्या में आगे चलकर और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि सभी मरीजों की जाँच इस किट द्वारा नहीं किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार शुरुआत में केवल उन्हीं मरीजों की जांच इस किट से की जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखते और वे मरीज जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं। बिहार में मरीजों के मिलने का प्रतिशत जांच की तुलना में पिछले 2-3 दिनों में लगभग 10% के आसपास है। मरीजों के मिलने का यह आंकड़ा काफ़ी खतरनाक है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि घरों में रहिए, बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग कीजिए, सुरक्षित रहिए और बिहार को सुरक्षित बनाइए। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।